What is the total number of parallelograms in the given diagram? ऐसा कुछ थोड़ा confusing होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको procedure wise solve करना है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम लोग अगर पार्ट को ये consider करें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये parallelogram हो गया? ठीक है, ऐसे आपको second parallelogram ये हो गया, और ठीक है, ऐसे ये third आपका parallelogram हो गया। तीन parallelogram मुझे ऊपर की side और इस direction में मिले। अब मैं फिर से आगे counting करता हूँ, अभी तक तीन हुए, है ना? अब इसी तरीके से मैं back direction में बात करूँ, small वाले parallelogram की बात करें, तो ये चौथा parallelogram हो गया, और ये जो पांचवा parallelogram हो गया, तो अभी तक हमारे पास पांच parallelograms आ चुके हैं। ठीक है, यदि हमने single single को भी किया, ऊपर की direction वालों को भी किया, अब मैं ऊपर की side में दो वालों को लेता हूँ, अभी मेरे पास पांच थे, और यहाँ भी जो है ये छठा हो गया। ठीक है, और ऐसे आप देखेंगे कि ये आपके पास सेवन parallelogram हो गया, राइट? ये आपके पास सेवन parallelogram हो गया, और यदि हम लोग फिर से इसको आगे कंटिन्यू करें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर की डायरेक्शन आपने ये parallelogram लिया है, ये हमारे पास parallelogram हो गया, एट parallelogram हो गया, और लास्ट बात करें हम लोग नाइन parallelogram की, तो ये पूरा parallelogram है, ये आपका नाइन वाला parallelogram हो गया। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ऊपर की साइड टोटल नाइन parallelogram आने वाले हैं। अब यदि आप नीचे की साइड बात करें, नीचे कितने parallelogram आने वाले हैं, तो सिमिलर प्रोसेस आप देख सकते हैं, नीचे भी नाइन parallelogram होने वाले हैं, 18 parallelogram को हमने काउंट कर लिए, मतलब ये ऑप्शन का आंसर इज राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यदि दोनों parallelogram काउंटिंग हो चुके हैं, तो अब हम बड़े वाले कंप्लीट डायग्राम को कंसीडर करते हैं, तो देखिए 18 तो हो चुके हैं, यहां मैं मेंशन करता हूं 18 हो गए। अब यहां पे हम बात करें कि ये एक parallelogram फिर से हो गया आपका, ठीक है, इसी तरीके से ये आपका parallelogram फिर से होगा, ये दो parallelogram इधर की साइड से हो गए, और भी parallelogram यहां से निकलेगा, तो यहां पे अब आप जो है दो आपके एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, मैं यहां पे काउंटिंग मेंशन करता रहता हूं, तो यहां पे आपके दो एक्स्ट्रा हो गए, ये 18 पहले से थे, और अब वो हम लोग बैक डायरेक्शन में चले, तो क्या मैं बैक डायरेक्शन में ये बोल सकता हूं कि बैक डायरेक्शन में हमारे parallelogram जो है वो एक parallelogram ये वाला हो गया। ठीक है, और सिमिलरली आपका एक parallelogram ये हो गया, ठीक है, बैक डायरेक्शन वाले के parallelogram हो गए फिर से, और हमारे पास दो parallelogram और मिले, एक प्लस में फिर से टू। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हुए, ये हमारे पास अभी तक चार parallelogram आ चुके हैं। अब हम बड़े parallelogram को कंसीडर करते हैं, यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये parallelogram कोड के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बैक डायरेक्शन में चले, बाकी और parallelogram इधर वाले से होकर, तो यहां पे हम लोग बैक डायरेक्शन में चलते हैं, तो बैक डायरेक्शन में फिर से हमारे पास एक parallelogram ये कंसीडर होगा। ठीक है, फिर से हमें दो parallelogram कोड मिल गए, राइट, दो parallelogram कोड मिल गए। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने parallelogram हुए अभी तक, ये वाले 6 हो चुके हैं, ये वाले 6 हो चुके हैं, वो एडी ऑलरेडी थे, तो 6 parallelogram यहां से हमें कोड मिल गए। अब तीन parallelogram यहां पे अभी हो चुके बैठे हैं, वो कौन से parallelogram हो जाएंगे, ये parallelogram फिर से बीच वाले तीन ये और बैठे हैं। ठीक है, देखिए तीन parallelogram कोड है, तो यहां पे टोटल आपके पास 9 parallelogram कोड आपके पास अवेलेबल हो गए, यहां पे ये 3 एक्स्ट्रा हो गए, इट मींस 18 पहले थे, भाई वो एंड में टोटल आपके पास कितने parallelogram हो गए, 27 parallelogram हो गए।